खातिर एक बेटे ने अपनी वृद्ध माँ को ही मार डाला। बता दी घटना की सूचना पर पहुंची नेवरा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नेवरा थाना क्षेत्र के मखदुमपुर निवासी स्वर्गीय बालेश्वर सिंह का पुत्र अर्जुन सिंह प्रतिदिन अपने घर में पत्नी नीलम देवी एवं माँ पुण्यकला देवी के साथ शराब के नशे में मारपीट गाली गलौज करता था। अर्जुन सिंह जमीन बेचने को कहता था ताकि एक बेटी की शादी कर सके, तो उसकी मां पुण्यकला देवी मना करती थी। बता दें कि अर्जुन सिंह का 4 बेटा बेटी है, जिसमें एक बेटी की शादी पहले कर चुका था। दूसरे की तैयारी के लिए रोजाना पीकर घर में हंगामा किया करता था। अर्जुन सिंह की पत्नी घर में नहीं थी, वृद्ध माँ लकड़ी से खाना बना रही थी कि शराब के नशे में आकर झगड़ा करने से इस दौरान ईंट उठाकर मार दिया, जिससे मौके पर ही पुण्यकला देवी की मौत हो गई। निधि सिंह के साथ मनेर से आनंद मोहन की रिपोर्ट। हम घर पर नहीं थे। अच्छा। हम घर पर नहीं, हमेशा पी खा करके दारू पी करके हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, ईटा ढला करते थे, केमाड़ी में बंद रहते थे, नुकल छिपल चलते थे। लेकिन हम अपना अथिया जो अथी था, फूफा बीमार थे, देखने गए हैं पटना। अब लड़की सब चल गई, बगले में होती रसम था, ओकरे में देखने चल गई। वो घड़ी तो आराम से दोनों बैठे थे बढ़िया से। अब बाद में क्या हुआ से नहीं जब बता सकते हम। अब उसके बाद पता चला कि ईटा से मार दिए। हम क्या बताएं, क्या करें। हम तो सब दिन बूढ़ी माता की सेवा सत्कार मान सम्मान करते थे, सब दिन बूढ़ी के पक्ष में रहते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, बूढ़ी के बचाते थे। किसका कारण क्या रहा होगा? कारण कुछ नहीं, उनका कारण कहीं दारू पीते थे, घर से काम करने के लिए कहते थे तो न जाते थे। और वही कारण है कि हमारा ये हाल करते थे सब। दारू पिए रोक न लगाइए और अथी काम कर लेना कहिए, बस यही प्रॉब्लम उनका था और कुछ नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। मामला हुआ है सर, ये सूचना मिला था कि मखदुमपुर गांव में एक महिला है पुण्यकला देवी, उनकी हत्या उनके पुत्र अर्जुन सिंह द्वारा कर दी गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम भी आई हुई है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है।